शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस जन्मदिन से ज्यादा हमारे लिए खास बात यह है कि हमने आप जैसी मां की कोख से जन्म लिया। हाथीराज, ये आपकी मां नहीं है, ये एक डाकिनी है। हम जानते हैं कि आप दोनों हमसे घृणा करते हैं, हम हैं ही घृणा के लायक। धोखा दिया है आप दोनों को हमने, इसलिए हम सामने भी नहीं आ रहे थे। मगर जब हमें पता चला कि मंत्र लेखा के कारण हमारे बेटे का, हमारा मतलब है अधिराज की जान को खतरा है, तो हम खुद को रोक नहीं पाए। अधिराज, हमने भले ही आपसे झूठ बोला हो, आपको अंधेरे में रखा हो, पर हमने हमेशा आपको अपना बेटा माना, आपको सीने से लगा कर रखा, आपका पालन पोषण किया। वो सब तो ठीक है, पर तुम जीवित कैसे हो? मैंने तो तुम्हें जलाकर तुम्हारी राख को नदी में प्रवाहित कर दिया था। अब इस राजमहल से काली शक्तियों का प्रकोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम शायद ये भूल रही हो कि हम डाकिनी हैं, यानी काली शक्ति, और काली शक्तियों का खात्मा करना आसान नहीं है। हमें कैद किया जा सकता है या फिर कुछ समय के लिए नष्ट किया जा सकता है, पर हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपने वास्तविक रूप या फिर किसी भी रूप में पुनर्जीवित हो सकते हैं। अब इसे वरदान समझो या अभिशाप, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती जब तक वो वस्तु ना नष्ट हो जाए जिसमें हमारी जान बसती है। अब हम चलते हैं, हमें अपने पापों का प्रायश्चित भी करना है। आप दोनों को सही सलामत देख लिया, बस हमें और क्या चाहिए? अधिराज, हो सके तो अपनी इस मुंह बोली माँ को क्षमा कर दीजिए। एक और विनती करना चाहेंगे हम आप दोनों से, अपनी इस माँ से कभी घृणा मत कीजिएगा। अधिराज, मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है, पर इस तरह अपने हृदय को कष्ट देने से क्या फायदा? संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले सुने ना, कैसे? जिस औरत को हमने माँ का सबसे अधिक प्रेम किया, उसी ने हमें धोखा दिया, और आज जो दोबारा हमारे सामने आ गया हमें बचाने के लिए, वो नवनी शकनी हमारी जान ले लेती। कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया कीजिए। हजराज, अब आपको उस डाकिनी और निशाकिनी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब वो हमारे जीवन से चली गई।
सुनैना बिल्कुल सही कह रही है आदिराज। हम भूतकाल को तो नहीं बदल सकते किंतु भविष्य हमारे हाथों में होता है। हम भी मां की कृपा से वो मंत्र लेखा जैसी विपत्ति का अंत हो गया। अब तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा। राजा साहिब की जय हो। कुछ ग्रामीण आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहिए कि राजा साहिब को विश्राम की जरूरत है, वो उनसे कल सुबह मिलेंगे। क्षमा कीजिएगा रानी साहब, वो लोग बहुत डरे हुए हैं और राजा साहिब को कुछ खास खबर देना चाहते हैं डाकिनी के बारे में। अर्थात प्रायश्चित भी एक झूठ था। हमें कष्ट पहुंचाकर उसका मन नहीं भरा तो अब ग्रामीणों को क्षति पहुंचाना चाहती है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। मारो 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 इसे, मारो, बहुत खतरनाक है ये, मारो इसे, मारो मारो। हमें दंड दीजिए, हम इसी लायक हैं। मारिए, सजा दीजिए। राजा साहब, हमने इस डाकनी को पकड़ लिया है, अब आप इसे मार दीजिए। हाँ हाँ, दंड दीजिए इसे। हाँ राजा साहब, दंड दे दीजिए हमें। अपराधी को दंड अवश्य दिया जाएगा, पर आप हमें बताइए इसने कब और किस पर आक्रमण किया। पर राजा साहब, इसने किसी पर भी आक्रमण नहीं किया। राजा साहब, ये गांव में घूम रही थी तभी हमने इसे पकड़ लिया। किंतु आप जब इसे पकड़ रहे थे तब तो इसने किसी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की होगी। नहीं राजा साहब, इसने तो अपने आप को भी बचाने की कोशिश नहीं की। तो फिर आप ही बताइए कि इन्हें किस आधार पर दंड दिया जाए। क्योंकि ये डाकनी है राजा साहब, और डाकनी बहुत खतरनाक होती है। राजा साहब, हम इसकी पिछली करतूतों को भी नहीं भूल सकते। किंतु उसकी सजा तो इन्हें मिल चुकी है। सुनैना ने इन्हें खत्म कर दिया था। अब वो बात अलग है कि ये डाकिनी इसीलिए पुनः जीवित हो गई। इसीलिए महाराज, इसे कठोर दंड दीजिए। तो अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा। हम इन्हें दंड देते हैं कि ये यहां से कोसों दूर चली जाए और फिर वापस कभी लौट कर ना। मैं जानती हूं ये कहते हुए आपको कितना कष्ट हो रहा होगा अधिराज। राजा साहब,